दिखा ही दिया है कोरोना ने हमें कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है और अब इसकी जिम्मेदारी हमने उठाई है। स्वागत है आपका फिटनेस की दुनिया में। एंटीमीटर फिट के सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल आपके घर आकर। सेशन स्टार्ट एट जस्ट 99 ओनली। डाउनलोड द ऐप एंटीमीटर फिट। देखिए, नगर निगम की तरफ से एक ऐप का यहाँ पर आईसी एक्टिविटीज़ की जा रही है, जिसे हम स्वच्छता ऐप के नाम से जान रहे हैं। मिनिस्ट्री की ऐप है। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर ये एक्टिविटी की जा रही है हमारी तरफ से। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास जितने भी जो है कंप्लेंट्स हैं हमारी नगर निगम को लेकर के या नगर निगम के कंसर्न में, वो हम ऐप को अब घर बैठे उसका शिकायत कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। हमें आसपास कहीं गंदगी दिख रही है, हमें आसपास कहीं टॉयलेट साफ़ नहीं दिख रहा है, तो इस तरह की चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें तुरंत कुछ नहीं करना, स्वच्छता ऐप डाउनलोड कीजिए, आप उस पर कंप्लेंट पोस्ट कीजिए। जैसे आप कंप्लेंट पोस्ट करेंगे, वो संबंधित अधिकारी या संबंधित कंसर्न पर्सन के पास, निगम की तरफ पास जाएगी और निगम उसको जल्द से जल्द सोल्यूशन कर करके और आपको अपडेट करेगा। तो इस तरीके से मैं सबसे अनुरोध करूँगा अजमेर वासियों से कि इस ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ताकि जो भी आसपास की गंदगी है यहाँ जहाँ तक हमारे निगम नहीं पहुँच पा रहा है या निगम के कंसर्न पर्सन नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत सी ऐसी जगह होती है, तो आप उनकी सूचना हमें दें और इस ऐप का उपयोग के माध्यम से दें, ताकि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जा सके। इसके लिए शहरी आजीविका विकास केंद्र, जो कि NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का एक इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, इसके लिए जल्दी ये सेंटर खोला गया है और इसी सेंटर के माध्यम से इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो पूरे शहर में की जा रही है। आज कहाँ पे कार्यक्रम जी? आज हमने सुभाष उद्यान है, JLN हॉस्पिटल है और इस तरह के कई पब्लिक प्लेसेस हैं। हमारा अगला एक महीने का पूरा शेड्यूल्ड है और मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहूँगा, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू होगा तो इस ऐप के माध्यम से हम लोग अजमेर को प्रथम स्थान प्राप्त कराने के लिए भी वोटिंग कर पाएंगे। अजमेर को स्वच्छ बनाने के लिए आप सबसे फिर एक बार अनुरोध है कि इस सारे ऐप का आप उपयोग करें और अगले एक महीने में हमको निगम आयुक्त श्री डॉक्टर खुशाल यादव तथा सचिव पवन मीणा जी के निर्देशानुसार हमने अगले एक महीने का पूरा शेड्यूल तय किया है। इसके तहत हम लोग अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे जा कर के इस ऐप के बारे में लोगों को समझाएंगे, उनको इसका उपयोग करने के लिए जो है प्रेरित करेंगे, ताकि अजमेर को स्वच्छ बताया जा सके। मैं अंशु श्रीवास्तव संचालक हूँ शहरी आजीविका केंद्र का।